11 मई 1981 को जन्मे दीपेश भान महज 41 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो पूरी तरह से फिट भी थे। आइए आपको बताते हैं कि दीपेश भान को भाभी जी घर में है में मलखान का किरदार कैसे मिला। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि दिल्ली में थिएटर के दिनों में उन्होंने ब्रज भाषा सीखी थी। वहाँ टीचर ने सभी को अलग अलग भाषाओं को समझने की सलाह दी थी। भाभी जी के ऑडिशन के दौरान दीपेश ने अपने किरदार के लिए ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया और निर्देशक शशांक बली को ये पसंद आया और वो सिलेक्ट हो गए। दिल्ली में जन्मे दीपेश ने ग्रेजुएशन किया था, जिसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीखी थी और साल 2005 में वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने 3 साल पहले साल 2019 में शादी की थी। उनकी वाइफ इंडस्ट्री की नहीं है। वो साल 2021 में पिता बने थे। वो अपने पत्नी और बेटे को छोड़ गए। भाभी जी घर पर हैं टीवी सीरियल काफी पॉपुलर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें काम करने वाले कलाकारों को अच्छी सैलरी मिलती है। अपनी अलग बोली और कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस दीपेश को हर एपिसोड के लिए 25,000 रुपए मिलते थे। ऐसे वो महीने भर में लाखों रुपए कमाते थे। हर महीने लाखों रुपए कमाने वाले दीपेश भान की नेटवर्थ 10 करोड़ रुपए बताई जाती है। दीपेश 16-17 साल से टीवी की दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भाभी जी सीरियल से खास पहचान मिली। वो इस शो से पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।